नगर पंचायत भिरीनाग के शनिवार को बोर्ड की बैठक आयोजित होनी थी। बैठक के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत और सभासद के कार्यालय पहुंचे और दो घंटे बाद भी बैठक में अधिशाषी अधिकारी नहीं पहुंचने पर अध्यक्ष और सभासदों का आक्रोश फैल गया। कार्यालय में तालाबंदी कर अधिशाषी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत ने बताया कि अधिशाषी अधिकारी आए लंबे समय तक कार्यालय से गायब रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। हमारी बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, परंतु जब आज हम सब सभासदगण और मैं यहाँ पहुँचे कार्यालय में, तो हमें पता चला कि जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं वो स्टेशन से बाहर हैं, और उनके द्वारा स्टेशन छोड़ने से पहले न तो कभी हमें कोई सूचना दी जाती है और न मौखिक रूप से बताया जाता है। और दिवाली से पहले भी वो एक डेढ़ महीना घर रहे थे, और ज्ञात हुआ है कि वो जो है घर में रहने के दौरान भी वेतन का आहरण कर रहे हैं, तो ये गलत रवैया है। और बोर्ड उनको ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टेशन छोड़ने से पहले वो अध्यक्ष को बताएं कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो उनके इस रवैये से खिन्न होकर हम लोग यहाँ तालाबंदी कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान टाइम के हमारे युवा साहब हैं, इनका एक ही मकसद है कि बेरीनाग में जो विकास कार्य होने हैं वो कम हो, और जो फालतू खरीदारी करनी है वो ज़्यादा। देखिए, आप जहाँ जाएंगे आपको बेरीनाग में जो डंपिंग जोन के नाम से जो खरीदारी की गई है बहुत गलत तरीके से की गई है, और कोई जैम है उसके द्वारा ये गलत सामान सामग्री मंगाई जा रही, पता नहीं कब किस काम की ये सामग्री है। जब तक डंपिंग जोन बनता नहीं है ये पुराने नए सब सामग्री मंगा रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि जो आज अध्यक्ष जी के द्वारा बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, हालांकि ये बोर्ड बैठक और जो हमारे ईओ साहब हैं उनके द्वारा लगातार जो धन की जो बर्बादी हो रही है वो लगातार हो रही है, उनके द्वारा अभी जो हमारा जो डंपिंग जोन है जो उसका जो उसके स्थान है वो अभी तक प्रस्तावित नहीं है, उसके बावजूद भी वो लगातार सामान मंगा रहे हैं और जो बिल्कुल काम का नहीं है। जब तक ईओ साहब बेरीनाग में नहीं आते हैं तब तक हमारा जो तालाबंदी का कार्यक्रम है लगातार जारी रहेगा।